हेलो गाइस, वेल्कम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है संतोष और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसमें मैं आपको बताऊंगा आज एफर्मेटिव टू नेगेटिव कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो एफर्मेटिव से नेगेटिव करते टाइम पे हमें सिर्फ ट्रांजेक्शन, जो हम लोग का जो सेंटेंस है उसका सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होगा, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पहले कुछ रूल्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए, अगर एफर्मेटिव सेंटेंस में आपको ओनली दिखेगा या फिर एलोन दिखे, तो उसके जगह पे हमको यूज़ करना है नॉन बट। ठीक है, और अगर सेम रूल अप्लाई होगा अगर आप नेगेटिव से एफर्मेटिव कर रहे हैं, तो नॉन बट के जगह पे आपको ओनली या फिर एलोन यूज़ करना है। सेकेंड रूल है मस्ट। अगर सेंटेंस में आपको मस्ट दिखे तो नेगेटिव बनाते टाइम पे आपको यूज़ करना है कैनॉट बट। ठीक है, नंबर थ्री, अगर सेंटेंस में आपको दिखता है एज सून एज, तो उसके जगह पे आपको यूज़ करना है नो सूनर। ठीक है, नो सूनर, फिर डिड लगाना है, फिर बीच में सेंटेंस आएगा, फिर देन उसके बाद सेंटेंस रहेगा। ठीक है, ये देन कॉमा के जगह पे लगता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रूल था, इसी के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में रहता है। तो देखते हैं, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 2007 से लेकर 18 तक का क्वेश्चंस। ठीक है, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, अभी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। इसमें आपको टू नेगेटिव, यानी कि ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस, इसको आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सेंटेंस क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है, एवरीबडी विल एडमिट दैट आई एम राइट। हर कोई इस बात को मानेगा कि मैं सही हूँ, यानी कि कोई भी इस बात से डिनाई नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नोबडी विल डिनाई दैट आई एम राइट। तो ये क्वेश्चन का देखिए, अब ये नोबडी नेगेटिव वर्ड हो गया और ये सेंटेंस भी कन्वर्ट हो गया, पर सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यू आर द ओनली पर्सन फिट फॉर द पोस्ट। अभी यहाँ पे ओनली है, तो ओनली के जगह पे नॉन बट का यूज़ हम लोग करेंगे, लेकिन नॉन बट हम लोग को आगे यूज़ करना पड़ेगा सेंटेंस के स्टार्टिंग में। नॉन बट यू आर द पर्सन फिट फॉर द पोस्ट। ठीक है, तो ये हो गया, 2007 और 8 भी हम लोग ने कवर कर लिया। अब देखते हैं आगे सेंटेंस, इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ही इज कॉम्पिटेंट फॉर द पोस्ट। वो पोस्ट के लिए कॉम्पिटेंट है, दैट मीन्स वो इनकॉम्पिटेंट नहीं है। तो इसका आंसर होगा, ही इज नॉट इनकॉम्पिटेंट। फॉर द पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन इज द ओनली पर्सन फिट फॉर द पोस्ट। अभी हमने सेम क्वेश्चन किया था, ये वाला, यू आर द ओनली पर्सन फिट फॉर द पोस्ट, सेम क्वेश्चन है ये। इसमें मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ, ये सब जो है वैसे एडिशनल है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, ओनली के जगह पे क्या यूज़ करेंगे, नॉन बट। तो आंसर होगा, नॉन बट जॉन इज द पर्सन फिट फॉर द पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सून एज ही सो मी ही बिगेन टू वीप। अभी हम लोग ने रूल डिस्कस किया था कि अगर सेंटेंस में एज सून एज आपको दिखे एफर्मेटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव बनाते टाइम पे नो सूनर यूज़ करना है और डिड यूज़ करना है, और कॉमा की जगह पे क्या यूज़ करना है, देन। ठीक है, ये देखिए कॉमा की जगह पे देन यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एज सून है, एज सून एज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो सूनर, नो सूनर, फिर आपको लगाना है डिड, क्योंकि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, सो तो सेकेंड फॉर्म हो गया, इसीलिए डिड लगाया हम लोगों ने, डिड। फिर ही, अभी ये डिड लग गया, इसलिए सो जो है सी में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट फॉर्म में आ गया। तो नो सूनर डिड ही सी मी, यहाँ पे कॉमा है,
देन ही बिगेन टू वीप। तो बाकी का सेंटेंस आपको ये वाला सेंटेंस पूरा का पूरा सेम रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एज सुन एज द टीचर केम वी ऑल स्टूड अप। यहाँ भी सेम सेंटेंस है, एज सुन एज के जगह पे क्या यूज करना है, नो सूनर, नो सूनर डिड द टीचर केम का कम हो जाएगा, देन वी ऑल स्टूड अप। नेक्स्ट सेंटेंस है, कैन देयर ग्लोरी एवर फेड। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हमको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो इसका आंसर होगा देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। नेक्स्ट सेंटेंस, इन ऑल रिस्पेक्ट्स द असेंबल्ड कंप्यूटर इज लाइक एनी अदर। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए, अब इसको नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा सेंटेंस सेम रखेंगे, यहाँ लिख देंगे इज नॉट अनलाइक, इज नॉट अनलाइक एनी अदर कंप्यूटर। ठीक है, तो नॉट अनलाइक मतलब लाइक हो गया। अगला सेंटेंस हो गया, मैन इज मॉर्टल, आदमी मॉर्टल है, दैट मीन्स आदमी इमॉर्टल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मैन इज नॉट इमॉर्टल। अगला सेंटेंस, आई कम हियर फॉर द लास्ट टाइम, इसका आंसर होगा नेवर अगेन, नेवर अगेन सेल आई कम हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सुन एज आई अराइव्ड द नॉइज सीज्ड, इसका आंसर होगा नो सुनर डिड आई अराइव देन द नॉइज सीज्ड। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, एवरीबडी विल एडमिट दैट राधा इज राइट, हर कोई मानेगा कि राधा सही है, यानी कि कोई भी डिनाई नहीं करेगा, तो आंसर होगा नोबडी, आप नोबडी या नो वन भी लिख सकते हैं, नोबडी विल डिनाई दैट राधा इज राइट। अगला क्वेश्चन है, गॉड अलोन कैन सेव हिम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अलोन आ गया, तो जब भी एलोन आएगा तो नॉन बर्ड यूज होगा, तो इसका आंसर होगा नॉन बर्ड गॉड कैन सेव हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहां आग होता है, सॉरी वेयर देयर इज स्मोक, जहां धुआं होता है वहां आग तो होगा, यानी कि बिना आग के धुआं नहीं उड़ता है, तो इसका आंसर होगा आंसर होगा देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज समटाइम केयरलेस, वो कभी कभी केयरलेस रहता है, यानी कि वो कभी कभी केयरफुल नहीं रहता है, तो आंसर होगा ही इज समटाइम्स नॉट केयरफुल। उसके बाद अगला सेंटेंस है, समीर इज टॉलर देन बीमल। देखिए जब भी इस तरह का सेंटेंस आपको मिलेगा ना, जहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दो लोगों के बीच में या दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो उस केस में मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ, आई थिंक अब दिख रहा होगा, तो उस केस में हमें इस तरह का सेंटेंस को, देखिए ये है आपका कॉम्पेरेटिव सेंटेंस, इसको हमको पॉजिटिव में करना होता है,
तो जब आप पॉजिटिव में करेंगे तो ऑटोमेटिक वो नेगेटिव तो हो ही जाता है। तो देखिए इस तरह का सेंटेंस में कैसे करना पड़ेगा, समीर को इधर लेके आइए और बिमल को इधर लेके आइए। तो बिमल यहाँ आ जाएगा और समीर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये टॉलर जो है कॉम्पिटिटिव डिग्री है, इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, टॉल, फिर पॉजिटिव का दो बॉडीगार्ड लग गया, फिर आपको इज लगाइए और नॉट लगा दीजिए, हो गया। तो क्या होगा, बिमल इज़ नॉट एज टॉल एज समीर, इस तरह से करना होता है जब दो और लोगों के बीच में या दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेरिजन हो रहा है और हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। अगला सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 17, एवरीबडी मस्ट एडमिट दैट ही इज़ अ गुड म्यूजिशियन। तो इस तरह का सेंटेंस बहुत आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नोबडी कैन डिनाई, नोबडी कैन डिनाई दैट ही इज़ अ गुड म्यूजिशियन, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 14 तक ख़त्म। तो अब देखते हैं 2015 कुछ एडिशनल भी मैं आपको करवाते जा रहा हूँ साथ साथ, आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी दिख रहा होगा यहाँ पे। क्वेश्चन है ओनली स्टूडेंट्स आर अलाउड टू एंटर द हॉल, इसका क्वेश्चन होगा। देखिए ओनली है, ओनली की जगह पे यूज़ करना आपको नॉन बट, नॉन बट स्टूडेंट्स आर अलाउड टू एंटर द हॉल, सेम हो जाएगा। उसके बाद आई केम हियर फॉर द लास्ट टाइम, ये हम लोग पहले भी किया है, इसका क्या होगा, नेवर अगेन, नेवर अगेन सेल आई कम हियर। अगला सेंटेंस है आई सेल ऑलवेज रिमेंबर यू, मतलब मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, दैट मीन्स मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तो क्या होगा, आई सेल नेवर, आई सेल नेवर फॉरगेट यू, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हम लोग का नेवर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया पर मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। उसके बाद अगला सेंटेंस है आई वॉज डाउटफुल इफ ही वुड कम, मतलब उसको डाउट है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट हिज अराइवल, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया, सॉरी आई वॉज नॉट, नेगेटिव भी हो गया, सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। अगला सेंटेंस है आई विल ऑलवेज रिमेंबर द हॉरर ऑफ द फ्लड, यहाँ पे जब भी रिमेंबर आएगा ना वर्ड, आपको उसका अपोजिट वर्ड यूज़ करना है, ठीक है, फॉरगेट, और उसमें नेवर भी यूज़ करना पड़ेगा, ऑलवेज की जगह पे नेवर। तो आई विल नेवर फॉरगेट, बाकी सब सेम, फॉरगेट द हॉरर ऑफ द फ्लड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है ओनली ऑथोराइज्ड पर्सनल मे एंटर थ्रू द थ्रू दिस गेट्स, यहाँ पे ओनली है तो ओनली की जगह पे क्या यूज़ कर लेना हमको, नॉन बट, बाकी सब सेम। फिर यहाँ पे देखिए ओनली दिख रहा है, ओनली करप्ट पीपल, तो सेम रखेगा हम लोग इसको, नॉन बट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोगों ने किया एफर्मेटिव टू नेगेटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम लोग का 100 लाइक्स का टारगेट है, तो वीडियो पसंद आया हो और वीडियो से थोड़ा भी आपको हेल्प मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।